सार्बियन डांसिंग लेडी, आखिर कौन है ये लड़की जो रात में बीच सड़कों पर नाचा करती है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये घटना रियल है या फेक? आखिर क्यों ये लड़की लोगों को देखते ही मारने की कोशिश करती है? इसकी सच्चाई क्या है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। इस लेडी को सर्वप्रथम 2009 में सार्बिया में देखा गया था, जिसके बाद इस लेडी का नाम सार्बियन डांसिंग लेडी रख दिया गया। उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, जिसकी वजह से लोग इस चीज पर ध्यान भी नहीं दे पाए, जिसके बाद ये लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन फिर वही लड़की 2018 में फिर से दिखाई थी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया तो था लेकिन लोगों ने इसे सोशल मीडिया होने की वजह से प्रैंक समझकर फिर से नजरअंदाज कर दिया। सार्बिया में इसकी खबर तो फैली लेकिन मीडिया ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर वही लेडी इस साल के फरवरी महीने में फिर से दिखाई दी, जिस पर लोगों का होश उड़ गया। तो फिर लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया कि आखिर कौन है ये लड़की, आखिर क्यों ये सड़कों पर नाचती है, इसके साथ हुआ क्या था। इन सब सवालों ने इस पर से पर्दा उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए जानते हैं इसकी असली सच्चाई क्या है, मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब यह लेडी इस साल के फरवरी महीने में फिर से दिखाई दी तो किसी ने चुपके से इसकी वीडियो बना ली। ये वीडियो ज्यादा नहीं बल्कि 11 सेकेंड्स का ही था, लेकिन फिर इसी वीडियो को टिकटॉक पर फरवरी महीने पर ही अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद इस वीडियो को 105 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख चुका था, जिसके बाद यह महिला आलोचना का विषय बन गया। सार्बियन मीडिया के मुताबिक अगर यह महिला किसी को अपना वीडियो या फोटो खींचते हुए देख लेती है तो या उन पर चाकू लेकर हमला करती है और तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक उसे मार नहीं देती। एक टिकटॉकर ने यह दावा किया है कि यह जो महिला है या एक अनाम महिला है जो सिर्फ रात को ही डांस करती है। यदि कोई लड़का या कोई भी इसका वीडियो बनाने की कोशिश करता है या इसकी फोटो लेने की कोशिश करता है तो या उन पर चाकू लेकर दौड़ पड़ती है, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह एक निर्दोष महिला है जिसे शैतान या फिर भूत प्रेतों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है या कोई एलियन है। तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इस लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया था लेकिन घर वालों ने साफ मना कर दिया था उनसे शादी करवाने के लिए, जिसके बाद यह लड़की सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने के बाद अब उनकी आत्मा इन सड़कों पर घूमती है नाचते हुए और जो जिसको भी देखती है उसको ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कितनी है, इसके पीछे राज क्या है, अभी तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है। लेकिन मैं आज आपको इसका सच्चाई बताने जा रहा हूं, सच्चाई बताने वाला हूं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी राज क्या है, इसके साथ आखिर हुआ क्या था, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। यदि आप YouTube पे सर्च कीजिएगा ग्रीस गैरेज, एक चैनल है जिस पर 4 से 5 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको जिस पर दिखाया गया है कि कैसे सार्बियन डांसिंग लेडी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप सर्च कीजिएगा तो सार्बियन डांसिंग लेडी का ही वीडियो आपको मिलेगा जिस पर दिखाया जा रहा है कि कैसे सार्बियन डांसिंग लेडी उनके पीछे पड़ा हुआ है। या फिर और एक चैनल सर्च कीजिएगा YouTube पे आप, कि उस चैनल का नाम है फ्लाइंग मीना बॉय, जिस चैनल पर दिखाया जा रहा है कि कैसे सार्बियन डांसिंग लेडी उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उस चैनल पे आपको भी 4-5 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिस पर दिखाया जा रहा है सार्बियन डांसिंग लेडी उसको मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि सारासार प्रैंक वीडियोस है, जिस पर प्रैंक वीडियो ही बनाया गया है, जिस पर सार्बियन डांसिंग लेडी का सिर्फ प्रैंक वीडियो ही मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आप इन सब चीजों पर बिलीव करना ही छोड़ देंगे, आप इन सब अफवाहों से दूर ही रहेंगे। 2001 में दिल्ली शहर में एक घटना घटा था जिसका नाम है मंकी मैन। एक मंकी जैसा दिखने वाला इंसान जिसके सिर पे हेलमेट था और एक जैकेट पहना हुआ था जिसमें 3 बटन थे। यह मंकी मैन रात को लोगों को चोट पहुंचाता था, जिसने कुल 60 लोगों को चोट पहुंचाई थी जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन इन 2 लोगों की मौत मंकी मैन की वजह से नहीं बल्कि मंकी मैन के डर की वजह से हुआ था, जो दोनों छत से कूद गए थे जिसके बाद उन दोनों की मौत हो गई थी। इस मंकी मैन का डर लोगों में काफी ज्यादा फैल गया। मंकी मैन की वजह से लोगों ने पुलिस को कॉल करके तंग भी करने लगा। पुलिस भी तंग आकर सड़कों पर लाठी लेकर निकल पड़े या जानने के लिए कि आखिर वो मंकी मैन है कौन, अगर मिल जाए ना तो फिर उसे मार मार कर उसका हेगड़ी निकाल दूंगा। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत तक नहीं मिला। हर दिन ऐसा होने लगा, हर दिन ऐसा ही चल रहा था, हर दिन किसी नए नंबर से कॉल आया करता था, हर दिन
लगभग 300 से 400 जनों की कॉल आया करता था, लेकिन पुलिस भी तंग आकर पुलिस ने एक नियम निकाला कि यदि कोई अपने फेक नंबर से यदि कोई फेक कॉल करता है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। जिसके बाद लोगों ने यह डर से कॉल करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद फिर पता चला कि लोग सिर्फ पुलिस को तंग करने के लिए ही कॉल करता था, जिसमें से 95% फेक कॉल हुआ करता था। धीरे धीरे यह घटना भी एक रहस्यमय तरीके से रहस्य बनकर रह गया। इसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया है कि आखिर वो मंकी मान है कौन या कौन था, आखिर क्यों ये लोगों को चोट पहुंचाता था, इसके बारे में आज तक किसी ने पता तक नहीं लगा पाया है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो रहस्यमय तरीके से आया है और रहस्यमय तरीके से रहस्य बनकर ही रह गया है। ठीक उसी तरह ये सार्बियन डांसिंग लेडी का भी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है, इसका भी यही रीजन है कि ये कोई अफवाह है। काहे कि इसका सिर्फ प्रैंक वीडियोस ही बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही बार इसको रिकॉर्ड किया गया था फरवरी के महीने में, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हो सकता है कि ये महिला जब पहली बार दिखाई दी थी तब ये रियल था, लेकिन अब ये फेक है, ऐसा भी हो सकता है। ये सार्बियन डांसिंग लेडी वाला ये घटना जहाँ तक मेरे को लग रहा है सब फेक है। काहे कि इन सब चीज़ों पर आजकल विश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पर इतना गिर चुका है कि थोड़ा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ भी दिखा देता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। यदि आपको मंकी मैन का फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग मंकी मैन जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मंकी मैन से रिलेटेड पूरा डिटेल्स ले आ सकूँ। आखिर हुआ क्या था उसमें और आखिर कैसे वो गायब हुआ, कैसे आया था सर्वप्रथम, सब कुछ बता देंगे उस वीडियो में। यदि लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग मंकी मैन जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।